मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के सादाबाद स्थित शिव शक्ति भवन के पुनर्निर्माण का स्थापना समारोह का आयोजन माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके रुक्मणी ने कहा कि बाबा के सेवा स्थान का लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान योग द्वारा मन की बुराइयों को दूर करना है। मौके पर जज नीतू सिंह, नगर पंचायत अध्यक्षा हिमलता अग्रवाल, प्रधान श्यामवीर सिंह, आगरा के क्षेत्रीय प्रभारी बीके शीला, हाथरस सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना समेत कई लोगों ने रखे शुभ विचार। मध्य प्रदेश सारंगपुर में सोनी परिवार ने आयोजित किया आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज कार्यक्रम। राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने दिए आशीर्वचन। समाज सेवी मांगीलाल सोलंकी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी, तलेन से आई बीके तेजस्वी समेत अन्य बीके बहनों ने विपरीत परिस्थितियों में शांत रखने के सिखाए गुर। अतिथियों को भेंट की गई ईश्वरी सौगात। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र पर स्व उन्नति के लिए त्रिदिवसीय कार्यक्रम। शांतिवन में एकोमोडेशन ऑफिस के बीके संतोष ने कहा कि हमें सभी के संस्कारों व स्वभाव को देखते हुए समाना है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी और बीके बिंदु ने भी रखे विचार। ब्राह्मण परिवार है ये हमारा, स्वभाव संस्कार को समाना है। ज्ञान समझ में आया तो मन शांत हुआ, मन शांत हुआ तो प्रेम की भावना आई, प्रेम की भावना से सुख आया, सुख से आनंद आया, आनंद से भावनाएं पवित्र हो गई, और जब भावनाएं पवित्र हो गई तो अंदर में शक्ति आई, पावर आई। सोनीपत कुंडली के अंसल स्थित आशीर्वाद भवन के 12वें वार्षिकोत्सव पर कुंडली सेवा केंद्र प्रभारी बीके मूर्ति, अंसल सेवा केंद्र प्रभारी बीके चित्रा और बीके रितु की उपस्थिति में आयोजन। मूर्थल से आए बीके सतीश ने दी शुभकामनाएं। जो लक्ष्य है मानव जीवन का, उस मानव जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए परमपिता परमात्मा आकर के हम सबको हमारी यथार्थ पहचान देते हैं। मैं कौन हूँ इसको हमें अंडरस्टैंड कराते हैं। अजमेर के शास्त्री नगर सेवा केंद्र के द्वारा पटन बाजार विजय वर्गीय धर्मशाला में शिव दर्शन आध्यात्मिक प्रदर्शनी का शुभारंभ। बीके आशा ने कहा कि सर्वात्माओं के पिता परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। मौके पर बीके कीर्ति, बीके ओम प्रकाश समेत अनेक सदस्य रहे मौजूद। रीवा के झीरिया सेवा केंद्र पर वन मंडल अधिकारी अनुपम शर्मा, दैनिक जागरण के वरिष्ठ संपादक देवेंद्र सिंह, प्रोफेसर एपी सिंह और हाजी एके खान, डॉक्टर आरती तिवारी, डॉक्टर ममता नरेंद्र सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लगाए पौधे। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र के द्वारा राजयोगिनी दीदी मनमोहनी जी के स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी ने दीदी की महानताओं का किया वर्णन। एडवांस पार्टियों में दीदी जी की विशेषता को भी हम महसूस करते हैं, तो खास आज का दिन इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम अपने को तैयार करने के लिए संकल्प लेते हैं। अपने को दीदी की व्यक्तित्व, बाबा की व्यक्तित्व के दर्पण में देखने को एक मौका लेते हैं, और साथ साथ कदम पर कदम रखने के लिए दीदी जैसे मर्यादा की प्रति हम सबको विशेष इशारा दिया करती थी। बाबा का बोलना हमारा स्वीकारना। असम में तिनसुकिया के केशव बहोती सूर्योदय चिल्ड्रेन होम के बच्चों को जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा का बताया महत्व। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी ने बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सफलता के दिए मूल मंत्र। सेक्रेटरी अखिल बरुआ समेत अनेक लोग उपस्थित। वहीं दिल्ली के गंझावला के गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने भविष्य और वर्तमान में कभी भी व्यसनों के अधीन न होने का कराया संकल्प। बीके कमल ने नशे के बताए नुकसान, प्राचार्य सीताराम ने माना आभार।
रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट सेवा केंद्र के द्वारा आनंद आश्रम ओल्ड एज होम में मनाया गया पर्व। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्याणी ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए जनरल सेक्रेटरी एस पेरुमल स्वामी समेत सभी बुजुर्गों को बांधे राखी। वहीं बीटीएम लेआउट सेवा केंद्र के द्वारा आदर्श स्कूल में मोटिवेशनल टॉक का आयोजन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड लिविंग वैल्यूज जैसे विषयों पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्याणी ने डाला प्रकाश। इसी तरह बीटीएम लेआउट सेवा केंद्र के द्वारा श्री वेंकटेश्वरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी मेडिटेशन सेशन के साथ सकारात्मक विचारों का भी बीके कल्याणी ने बताया महत्व। बच्चों ने लिया उमंग उत्साह से हिस्सा। आगे बेंगलुरु के सह्याद्री कॉन्वेंट में बीके कल्याणी ने कहा कि स्वस्थ और सुखी समाज के लिए राज्यों का अभ्यास जरूरी है। वहीं न्यू कैम्ब्रिज हाई स्कूल में भी बीटीएम लेआउट सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्याणी ने नैतिक मूल्यों के द्वारा जीवन में आगे बढ़ने की दी प्रेरणा। रतलाम के डोंगरे नगर सेवा केंद्र पर राजयोगिनी दीदी मनमोहिनी जी की मनाई गई 41वीं पुण्यतिथि। समाज सेवी राजेंद्र पोरवाल, कन्हैयालाल मेहता समेत अनेक लोग उपस्थित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने कहा कि दीदी गुणमूर्त बन सभी में गुणों को ही देखती और उसका वर्णन करती थी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में आबू रोड के राणा पुंजा राजकीय जनजातीय आश्रम छात्रावास में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल एवं NSIL के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम हेपेटाइटिस से बचाव और टीकाकरण का बताया महत्व। बीके अर्चना, बीके सुधांजलि और निचलागढ़ के सरपंच समेत कई लोगों का रहा योगदान। ओडिशा के बालेश्वर सेवा केंद्र के द्वारा टोटापाड़ा यूपी स्कूल, गोलिया हाई स्कूल समेत अनेक स्कूलों में चलाए गए नशा मुक्त भारत अभियान, बीके गणेश ने नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसानों से कराया अवगत। राजयोगिनी दीदी मनमोहिनी जी की पुण्यतिथि पर भुवनेश्वर के बीजेबी नगर सेवा केंद्र पर आयोजन, चिल्ड्रन बुक के राइटर गीतापति, बीजेबी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी समेत अनेक लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के गदक सेवा केंद्र पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत बीके रेखा, बीके सावित्री ने किया वृक्षारोपण, पेड़ों का बताया महत्व। फास्ट न्यूज में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।